हाउसवाइफ है सब जानती है। खदान खोदना आसान है, ये सिर्फ अपने कपड़े धोकर ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले भर के कपड़े धो दिए मैंने। अमे रेनु भाभी, पहले तो सिर्फ मनोहर भैया के कपड़ों पे दाग धब्बे देखे थे, पर एक काम वाली के आने से पहले ही आंधी तूफान, आगे ना जाने और काका होने वाला है। इसी तरह हम सोना बहू के अक्कल भी ठिकाने लगाएंगे। काम वाली आ जाए पर बहुत जल्द ऑफिस का रास्ता दिखाएंगे। झाड़ू कहाँ है? आते ही झाड़ू। और किचन में जो गंदे बर्तन पड़े उसका क्या? अभी सब लोग उठेंगे तो चाय मांगेंगे। फिर देखिए, साफ सुथरे घर में लक्ष्मी आती है, इसलिए हम पहले झाड़ू कटके से ही काम शुरू करेंगे। अच्छा, तुम्हें जो भी काम करना है जल्दी करो। सो रहे हैं मियो रोड बेच के। साहब उठिए, सफाई करनी है। अरे उठिए, जाने हमें क्या, सफाई करो, निकलो। अरे वो छोटी मेम साहब, जरा इधर आना। वो मेम साहब क्या है ना कि जरा रोटी सेकने में हमारी मदद कर दो। वो क्या है ना कि जरा अर्जेंट है, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी आओ मेम साहब, ये दाल में तो छौंका ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ रोटी पे घी लगाना भूल गई काम वाली। मुझे तो लगा था कि काम वाली जल्दी पिकअप पकड़ लेगी और किचन का मेकअप अच्छी तरह से करेगी, लेकिन ये चावल तो पूरे कच्चे हैं। इसलिए थोड़ी खीर बना ली थी। अरे सोना, तुमने खीर कब बना ली हमें पता ही नहीं चला। बस बना ली, हम परोस देते। रेनू भाभी और बिंदिया भाभी को देखकर आते हैं। वाह वाह वाह, कमाल हो गया, अंत भला तो सब भला। सोना बहू खीर का इतना अच्छा मेकअप कर लेगी, मुझे आज पता चला। ये लो। क्या बात है बिंदिया, तुम ना खीर में अपना ब्यूटी पार्लर मत ठूसो और इसका स्वाद तो लेने दो। आज के खाने का स्वाद खराब हो गया काम वाली से, आगे से नहीं होगा। नीलम बहू, उसे सही से समझा देना। बाबा, हाँ भाभी, मुझे याद है कि आप भी किसी जमाने में बहुत बढ़िया खीर बनाया करती थी। कई सालों बाद इतनी लजीज खीर खाने को मिली। बेटी वेल डन। थैंक यू चाचा जी। हम नहीं चाहते कि परिवार के किसी भी सदस्य के रूटीन में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए जब तक काम वाली सारी जिम्मेदारियां समझ न जाए और घर में सेट ना हो जाए तब तक हम ऑफिस नहीं जाना चाहते। हाँ। उसके बाद अब जो कहेंगे हम करेंगे। सेट है बिल्कुल, मतलब आप एक बार काम वाली को घर में सेट कर दीजिए, उसके बाद हमें भी बहुत कुछ सेट करना है। क्या दिखाने वाली थी मालकिन? ये देखो, रोटियां ऐसे सेकी जाती। चावल, अरे ये भी पका हुआ है। मालकिन, हम काम वाली जरूर हैं, पर हम भी अपने घर की हाउसवाइफ हैं। हमें हाउसवाइफ नहीं, काम वाली चाहिए। मालकिन, बातों का समय अभी खत्म हो गया है। छोटी मेम साहब, वो धोने वाले कपड़े निकाल के रख दिए है ना? हाँ, वो बाथरूम में रख दिए। खाना मम्मी जी, हमने और सोना ने मिलके ठीक कर दिया। हाउसवाइफ है सब जानती है।